नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिव लाइफ विद पारस में। और आज मौसम काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ बादल हैं, लेकिन बादलों के कारण एक अलग सी खगोलीय घटना हुई है। ये देखिए, ये है हमारा सूरज और सूरज के चारों ओर जो है एक इंद्रधनुष बना हुआ है। और ये इंद्रधनुष जो है ये बिल्कुल गोलाकार है, तो आपने शायद कभी ही देखा हो, या अगर नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। इंद्रधनुष अधिकतर आपको अर्धाकार में ही दिखता है, लेकिन ये पूर्ण गोलाकार में है। और ये इंद्रधनुष जो है ये कुछ खगोलीय घटनाओं के कारण, यानी कि ये बादल जो है वो जो सूरज के आसपास रहते हैं उनके कारण कभी कभी जो है ये लाइट जो इसका चारों तरफ फैलती है, तो उसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जैसे पता होगा। लेकिन ये सूरज के कारण जो है ये गोलाकार में बन गया। देखिए, तो ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं हूँ अभी देहरादून में, और आज इतवार का दिन है। तो अगर आप लोग भी जो है अपनी छतों पे आइए और देखिए ये खूबसूरत सा नज़ारा, जो कि कभी कभी देखने को मिलता है। और इस तरह की खगोलीय घटनाएं होती हैं कोई सी भी, तो उनको ज़रूर आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी होती हैं। और इनको देख के एक हमें सुकून सा मिलता है। तो आप लोग भी अगर देहरादून या उत्तराखंड में हैं तो देखिए, या हो सकता है किसी और क्षेत्र से भी दिखाई दे रहा हो, तो इसको देखिए। और इसके लिए कोई भ्रांतियां मत फैलाइए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई बोलता है प्रलय के संकेत है, पता नहीं क्या क्या जो है इसमें भ्रांतियाँ फैलाई जाती है। तो इस तरह की कोई भ्रांति ना फैलाएं और इस खूबसूरती को निहारें। ये देखिए, चारों तरफ जो है ये बादल लगे हुए हैं, मौसम बड़ा खुशगवार है, बारिश भी आ सकती है। और ये बीच में जो है सूर्य नारायण भगवान के चारों तरफ जो है ये गोलाकार बना हुआ है। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें लिव लाइफ विद पारस। धन्यवाद।